नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। देश के हर हिस्से में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं बिहार के पटना स्थित NMCH में लगातार डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। लिहाजा सोमवार को 133 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स के सैंपल लिए गए, जिसमें 72 लोग पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले रविवार को 96 डॉक्टर और मेडिकल के स्टूडेंट संक्रमित मिले थे। अब पटना के NMCH में 168 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो गए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज NMCH में मिल रहे हैं, उससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 168 संक्रमितों में से डॉक्टर्स की अपेक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या काफी अधिक है। बता दें कि बिहार में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसों में अब इजाफा होता जा रहा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के अलावा उनकी पत्नी, बेटी, बहू और दो स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।